अस्सलाम वालेकुम, बीएफयू लोग में आपका मेज़बान सैयद उमर अख्तर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। और अभी मैं मौजूद हूँ जी इस वक्त लाहौर वाल्टन रोड पे, डिफेंस मोड वाल्टन रोड मेन रोड है। सर्विस रोड पे जो है ब्लो फिश वाले हैं और वैसे तो ये सब्जी में मशहूर थे लेकिन इनकी फ़िश जो है इनकी सब्जी से भी ज़्यादा आगे निकल गई है। सरेआम खाने आए हैं, फ़िश चेक करके बताते हैं भी आपको कि कौन कौन सी फ़िश है इनके पास और कैसा टेस्ट है। चलते हैं जी अंदर। ये देखें जी, ये सब्जियों के स्टैक लगे हुए हैं यहाँ पे। ये जी इनकी सब्जी लगी हुई है और ये जी इनका फिश का जो स्टैक है ना वो लगा हुआ है। आपके पास कौन कौन सी नस्ल की फिश है जी? सारी बारबेक्यू करके देते हैं, सारी इनकी जो है ना ये बारबेक्यू लगी हुई है। ये देखिए ये कौन सी लगी हुई है इस टाइम, ये वाली ये रोहू है। ये देखें जी ये रोहू है और मुश्का लगी हुई कोई इसमें। ये देखें जी फिश, ये सिर्फ बारबेक्यू करते हैं। आप सिर्फ बारबेक्यू करते हैं और बारबेक्यू में जी ये स्पेशलिस्ट हैं। तो ये देखें जी कितनी क्वांटिटी में जो है ना फिश लगी हुई है। ये देखें जी कितनी बिग क्वांटिटी में जो है वो फिश लगी हुई है। देखें धड़ा धड़ जो है ना वो पैकिंग हो रही है। और ये कौन सी फिश है? राहुल राहुल आप रेस्टोरेंट विजिट कराते हैं और इनके जी सिटिंग एरिया भी है जी सारा अंदर। ये फिश में जी स्पेशलिस्ट हैं ये और यहाँ पे जी इनका जो है ना वो सिटिंग एरिया आप चेक करें कितना ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का जो है ना वो सिटिंग एरिया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो इनका सिटिंग एरिया है। फैमिली के साथ भी आके बैठ के आप लोग जो है ना वो और फुल माहौल लगा हुआ जी है। एम्बियंस मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है, सिंपल सा और प्यारा सा है। नान का सेटअप भी इनका अपना है जी, ताज़े ताज़े नान लग रहे हैं यहाँ पे। ये सब्जी पैक हो रही है यहाँ पे इनकी जी। बैठने का जो है ना वो इनकी जो सिटिंग एरिया है बड़ा कमाल है, ठीक है। ऐसे प्यारे प्यारे से देखें लैंप दिए हुए हैं उन्होंने और जो है ना वो आप मज़े से जो है ना बैठ के खाएं। 35 मिनट का टाइम दिया जी इन्होंने, अभी देखते हैं कि 35 मिनट में आती है कि नहीं आती है। इंतजार कर रहे हैं नहीं भाई की रिकमेंडेशन पे आए हैं जी हम, तब चेक करते हैं कैसी जाए। अच्छा इनकी ये खासियत है इनके पास सिर्फ ग्रिल फिश है, ऑयल वाली कोई फिश नहीं है इनके पास। अभी हम आती है टेस्ट करके बताते हैं कैसी है। धड़ाधड़ यहाँ पे फिश जो है बनती जा रही है और पैर बनती जा रही है। सारी ग्रिल फिश हैवी क्वान्टिटी में लगी है। हाँ यार भूख बड़ी हैवी लग रही है और चलते हैं अब अंदर जा के देखते हैं तो कितना टाइम लगता है। फिश आ गई है हमारी, ये है जी ग्रिल फिश है रोहू की और ये अभी आपको चेक कराते हैं। ये है तिलापिया फिश है जी, ये तिलापिया फिश भी चेक करते हैं। सबसे पहले मेरा ख्याल तिलापिया फिश ही चेक करते हैं। इसको भजन जरा थोड़ा इधर रखें जरा यार, इसके साथ वो कोई लेके नहीं आया सॉस वगैरह। चेक करते हैं सबसे पहले भजन, ये है तिलापिया फिश, क्योंकि ये तिलापिया फिश है। इस पर लेमन डालते हैं थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार एक डिफरेंट सा टेस्ट है, लेमन के साथ इसका ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वैसे ये
है भजन, आप भी चेक करें, ये मज़ेदार है। ये भी ये तलापिया फिश है और ये आ गई है जी हमारी रोहू फिश। टेस्ट अच्छा है इसका यार, मज़ेदार है। और ये है जी इनकी सॉस है, इसकी सॉस के साथ चेक करते हैं जी। यार बड़ा ही मज़ेदार टेस्ट है। अच्छा ग्रिल फिश जो है ना उसका जो टेस्ट है ना वो ऑयल वाली फिश से जो है ना बेशक वो सरसों की ऑयल की है, बेशक वो दूसरी ऑयल की है, ज़बरदस्त फिश का मज़ा ही जो है ना वो नान के बगैर है। हाँ जी अमित भाई पसंद आई कि नहीं आपको? नहीं भाई खा नहीं रहे हैं ना, बता रहे हैं ग्रिल फिश ग्लो फिश की जो है दोनों किस्म की जो मछलियाँ वो टेस्टिंग है। एक तो जो है ये रोहू वाली, ये भी मज़ेदार है। तलापिया का टेस्ट जो है ये भी अच्छा है। गरम गरम नान के साथ जी अब हम रोहू फिश ट्राई करते हैं। मसाले इसमें अंदर तक रचे हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। मेरी रिकमेंडेशन पे जी आपने फिश खानी हो तो लोअर वाल्टन रोड ग्लो फिश से ज़रूर आएँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।